नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों, इसमें भारत पाकिस्तान हमले को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस घुस करके सारे आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था, उससे बौखलाया पाकिस्तान। आज सुबह से इमरान खान पागल कुत्ते की तरह जिस तरीके से भौंक रहे था कि हमने भारत पर हमला कर दिया है, उसके दो विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, नौशेरा सेक्टर में घुसकर हमने हमला कर दिया, दोस्तों इस समय पूरी तरीके से झूठ साबित हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जिन दो पायलटों और दो प्लेन को मार गिराने की बात की जा रही थी, उसमें जो एक पायलट है वो पाकिस्तान का ही पायलट है और वो जहाज़ F-16 भी पाकिस्तान का ही जहाज है, जिसको जब वो हिंदुस्तानी सीमा में घुस रहा था तब भारतीय फाइटर जेट ने दौड़ा करके उस पर आक्रमण किया और पूरी तरीके से पाकिस्तानी F-16 चलकर खाक हो गया और भारतीय जेट तकनीकी खराबी के कारण पाकिस्तान बॉर्डर पर गिर गया और भारतीय पायलट को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी वहाँ के पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर हमारे पायलट को कुछ भी होता है, अगर एक खरोज भी आती है, तो पाकिस्तान को बहुत महंगी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर सैनिकों पर हमला करने की कोशिश जो की है वो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। जबकि भारतीय पायलट पाकिस्तान में जाकर जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हमला कर रहे थे, न कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। और भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने तनिक भी कुछ करने की हिमाकत की और हमारे भारतीय पायलट को खरोंच भी आई, तो उसको जल्द से जल्द इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो सुबह से जो झूठ चल रहा था पाकिस्तानी मीडिया पर, उसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत पर कोई भी हमला नहीं किया था। ये हमला भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को उड़ा दिया था और उसमें तकनीकी खराबी के कारण भारतीय फाइटर जेट पाकिस्तान की सीमा में गिर गया था। तो पाकिस्तान का झूठ पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है और अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोची की तर्ज पर भोंक रहे हैं। लेकिन भारतीय जवान, भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत के इस 125 करोड़ नागरिक अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा करते हैं। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद।